इस चैनल पर हम आपके लिए मिस्टीरियस इंटरेस्टिंग फैक्ट और जानकारी से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाएं। दक्षिण भारत में स्थित सबरीमाला मंदिर भारत में सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। सबरीमाला मंदिर परिसर केरल के पथनमथिट्टा जिले में पेरियार टाइगर रिजर्व के जंगल के पास स्थित है और इसे हिंदुओं के बेहद पवित्र भी माना जाता है। इस मंदिर भगवान अयप्पन को समर्पित है। यह मंदिर कुछ समय पहले खबरों में भी आया था, जब 18 सितंबर 2018 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मंदिर में महिलाओं को प्रवेश पर 10 से 15 वर्ष की आयु में सदियों के पुराने प्रतिबंध को हटा दिया था। मान्यता यह है कि भगवान अयप्पा एक शाश्वत ब्रह्मचारी है और इसलिए युवावस्था के बाद और रजून निवृत्ति से पहले महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। कुछ ने इस फैसले का स्वागत किया तो दूसरों ने विरोध जाहिर किया। तो चलिए जानते हैं सबरीमाला मंदिर के बारे में कुछ ऐसे तथ्य जो शायद आप नहीं जानते होंगे। सबरीमाला का शाब्दिक अर्थ है सबरी की पहाड़ियां। रामायण में सबरी को भगवान राम के भक्त के रूप में भी वर्णित किया गया है, जो इन पहाड़ियों में रहती थी। मान्यताओं के अनुसार सबरी ने भगवान राम को जामुन खिलाया जब वह सीता को बचाने के लिए लंका जा रहे थे, जिनका रावण ने अपहरण किया था। सबरीमाला मंदिर भगवान अयप्पन को समर्पित है, जिन्हें धर्मशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान अयप्पा ने महिषासुर की बहन महिषी की हत्या के बाद यह ध्यान किया था। महिषी अपनी भाई की मौत का बदला लेना चाहती थी, जिसे देवी दुर्गा ने मार दिया था। भगवान अयप्पा की मूर्ति 5 धातुओं यानी पंचकोल से बनी है, जिसमें सोना, चांदी, लोहा, तांबा और शीशा शामिल है। एक लोक कथा कहती है कि भगवान परशुराम ने धर्मशास्त्र की 8 मूर्तियां पश्चिमी घाटों पर स्थापित की थी और उनमें से ही एक स्थान वह है जहाँ भगवान राम ने धर्मशास्त्र से मुलाकात की थी। सबरीमाला मंदिर 18 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और तीर्थ यात्रियों को मंदिर तक पहुँचाने के लिए 18 सीढ़ियां पार करनी पड़ती है। हर साल लगभग 15 से 30 मिलियन भक्त सबरीमाला मंदिर आते हैं। सबरीमाला मंदिर समुद्र तट से 480 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है।